आपकी बार अगर छू देगी ना देख बता रहे हैं तू अब की बार खाली छू के दिखा ये देख अपने 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 ढकलियों का बुला रहे हैं ये ढकलियों का मर गया तो कलवा दादा हमारी बीबी इतने सुंदर है हमारी बीबी ना इतने सुंदर हमारी बीबी है एकदम जैसे प्रियंका खोपड़ा बुला रहे हैं ये ढकलवा कम्बो ढकलवा कम्बो ये काका अरे काका ओ काका के लिए झगड़ा करते रहते यार तुम लोग जब देखो है शांत होके एक एक लोग बात करो मार बात पहले लेडीज का मैं सुन लगा ठीक है ना लेडीज का सुनिए ना तुम लेडीज हो क्या लेडीज हो यार नहीं नहीं हम लेडीज नहीं है हम लेडीज हैं जेंट्स होता है हाँ वो जेंट्स पैंट मर्द नहीं हो तुम पुरुष नहीं हो हम मर्द हैं काका तू मर्द हो ठीक है फालतू बात मार के बोले हैं तुमको ठीक एकदम शांत हाँ कह लिए इसको मारी होती बताइए हम यहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे यही ये लाकर कूड़ा फेंक रहे हैं इनको दिखाई नहीं दे रहा है क्यों यहाँ कूड़ा फेंकते हम नहीं फेंके काका तुम नहीं फेंके हो बहुत सीधे दिख रहे हो तुम नहीं फेंके हो ना हम फेंक रहे हैं मैं हम झूठ बोल रहे हैं एम्बुलेंस होता है हाँ वो एम्बुलेंस अच्छा एम्बुलेंस आता नहीं झगड़ा करने चले जाते हो तुम तुमको आप आ गए काका नहीं तभी इन्हें कोई बचा नहीं पाता बता दे रहे हैं कभी नहीं कोई बचाएगा कोई पता थोड़ी नहीं जा रखा है पता हो जाएगा अभी सब तुम कूड़ा यहाँ पे क्यों फेंक रहे हो बताओ हम नहीं फेंके काका अगर हम झूठ बोले तुम मर जाओ मैं क्यों मर जाऊँ यार नहीं फेंके पूछ लीजिए किसी से पूछ ले किसी से भैया कौन कूड़ा फेंका है यहाँ पे क्या की हो रही है कौन फेंका अच्छा अच्छा कूड़ा अबे देवो या भैया कौन फेंका कोई देखा है कूड़ा कौन फेंका है यहाँ यही फेंके इन्हें क्या है फेंके इन्हें बोले हैं फेंकने ये बोले फेंकने हम बोले पूरे पे तो दाग लगे हैं वीडियो को तुमने गंदगी फैला रहा है पूरा गांव में ये बोल कि तुम कुएं में कूद जाओगे ये सड़ेगा गलेगा मच्छर पैदा होगा हाँ कूड़ा कचरेगा सड़ेगा गलेगा टट्टर पैदा होगा मच्छर मच्छर पैदा होगा गांव वाले को काटेंगे तुमको काटेंगे तुम्हारे कलुआ मलुआ को काटेंगे तो झाड़ू लगा रही साफ सफाई कर रही साफ जो कहाँ कूड़ा तुम्हारे पास खेत नहीं है खेत जहाँ तक दिखाई दे रहा अंधा कहाँ देख पाता जहाँ तक दिखाई दे रही जहाँ तक दिखाई तुम्हारा है ना तो उस खेत में एक गड्ढा बना लो अच्छा यहाँ से 200 मीटर ठीक 200 किलोमीटर 200 एक बार में नहीं समझ में आता 200 मीटर कूड़े ले जाओ वहाँ गड्ढे में डालो जितना मतलब डेली का कूड़ा निकले उस गड्ढे में डालो तो जानते हो ध्यान से सुन लीजिए आप लोग 2-3 मीटर का गड्ढा खोद लीजिए गड्ढा खोदने के बाद कूड़ा ले जाके डाल दीजिए कूड़ा के डालना हम कूड़ा दिख रहे हैं तुमको ये कह रहे हैं कूड़ा बता रहे हैं डाल दीजिए कूड़ा इधर है अच्छा हम कूड़ा नहीं है
जानते हो ये 6 महीने बाद ये कूड़ा सड़ गल के कंपोस्ट खाद बन जाएगा। ये जब खाद बन जाएगा ना, इसको किसी भी फसल में डाल दोगे वो दुगना पैदा होगा। धान में गेहूं में किसी में माने क्या होता है ना, माने डबल, एक का दो पैदा होगा, जहाँ एक होता है वहाँ दो होगा। खुश रहो खुश रहो। खाद दुगना होगा, खाद नहीं दुगना होगा। अच्छा जहाँ डालेंगे वो दुगना होगा। बहुत बढ़िया है ये खाद ना, अपने मेहरारे के ऊपर डालो, हमारे दुद्धू मेहरारे मेरा रुख पर नहीं डालना है, थोड़ी देर तो हो जाएगी। एक है दीदी, एक बहुत है। अच्छा मेरा रुख पर डालोगे उसको चर्म रोग हो जाएगा, मर जाएगी तुम्हारी दीदी। समझ रहे हो ना मीडिया? हाँ मीडिया, समझ गए, समझ गए हो। अब एक काम करो ना, इससे कह दो हमसे माफी मांग ले। अच्छा तैयारी हो? माफी कौन मांगेगा अभी जानते हो? अच्छे माफी तुम मांगो, गलती तुम पहले यहाँ की है। और नहीं गलती की है, पहले गलती तुम की हो तब मार खाए। अरे झाड़ू लेके मारी है मैंने, पहले गलती तुम की है। हमसे पूछो काका, चलो माफी मांगो, बैठ, रोना धोना नहीं है, माफी मांगो। हाँ माफी मांगो, सो के आए हो? माफी मांगो, जान रहे हो गाँव बहुत काल है ना, झाड़ू पड़ा सब देखे हैं अभी। माफी रे, ऐसे माफी कोई मांगता है? गजब दे माफी दे दे। अरे यार ये सब माफी नहीं होता, माफी प्रेम से मांगा जाता है, प्यार से, नम्रता से झुक के माफी मांगो। अच्छा समझ रहे हो, क्या करना है? प्यार से झुक के नम्रता से माफी मांगो, प्यार से। हाँ ये क्या है? ओए प्यार आ रहा है, नंबर दे दो, नंबर मांगने का इधर आओ। शांत कर, शांत, चुप, नंबर मांगने का पता कहाँ नंबर मांग ले। अरे झुक के बोले नम्रता से मांगो, नम्रता नहीं जानते हो तुम, वहाँ नंबर मांगने गया, नंबर लेके क्या करोगे? माफी मांगो, फोनवा में फोनवा में माफी मांगो, तुमको नम्रता नहीं आता तो बहन जी बोल के माफी मांगो। हट जा भैया, बहन जी बोल के माफी मांगो, बोले बहन जी हमको माफ। अड़ी जाए, हम क्लियर टी चल रही है, एक सेकंड। दुल्हन जी हमें माफ। अरे यार एक बार में तुमको समझ में नहीं आता है, बहुत पिटाई करेंगे आपकी बात नहीं अगर बोलेंगे। अड़ी जाए, हट जा यार लड्ढा, माफ कर दो, पौवा पी लिए यार, कितने टाइम से ले रहे हो। पूछिए कहां था गंजी डैडी का, रेडी करी जा रहे जी। हां ए से एप्पल, ए से एप्पल, बी से बैल, सी से चप्पल, बहुत पिटाई करेंगे। अंग्रेजी में बोलो मैडम जी, माफ कर देना, देखो माफ देखा है, देखा है, दे क्या कहना है मैडम जी, माफ कर दो, आप नहीं पूरा करेंगे। बेगम जी माफ कर दो यार, बहुत पिटाई करेंगे, इधर आओ, बहुत पिटाई करेंगे, समझ लेना अगर माफी नहीं मांगेंगे। देखो ऐसे करना आता है तुमको? अब क्या देख रहे हो तुम, थोड़ा बराबर करो। माफी मांगना नहीं आता, सब बराबर कर, नीचे ऐसे करके बोल दो बहन जी हमको माफ कर दो, आज के बाद नल के पास कूड़ा कचरा नहीं करेंगे। ठीक है माफ करते जाओ घर। अरे तुमको बोलना उनको यार, फटाफट बोलो बहन जी हमें माफ कर दो, कूड़ा कचरा नहीं। माफ कर दो तुमको, माफ कर दो कूड़ा कचरा नहीं करेंगे, मांगो माफ कर दो कूड़ा कचरा नहीं करेंगे। ठीक है माफ कर दियो, कूड़ा उठाओ लेकर जाए काका। हां कूड़ा उठाओ, नहीं तुम करो कूड़ा, हम उठाओ कूड़ा, पता आप हमारे काका हो ना। हां काका तो है, शादी मालिक के रहे हम, ट्रैक्टर के मालिक के रहे हम, कूड़ा उठा के मालिक हम। उसको भी उठाओ,
पूरे गांव वाले बताते हुए जाओ मार खाने को नहीं बताने कोई नहीं था तब। अच्छा आप लोग कूड़ा कचरा आप लोग कूड़ा कचरा अपने गांव के नाली में फेंकिएगा। अपने घर के अगल बगल किसी के दरवाजे पे कूड़ा फेंक दीजिएगा। आप लोग कूड़ा कचरा नल के पास नाली के पास बिल्कुल ना करना नहीं मच्छर पैदा होगा सब लोगों को काटेंगे बीमारी होगी।